हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी कुन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आज हम और आप मिलकर करने वाले हैं हिंदी और ईवीएस की पेडागोजी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले एक सभी लोग सेशन को एक बार अपने सभी साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। उसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण पेडागोजी के क्वेश्चंस, जहाँ से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते चले आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन है, वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए। आपको बताना है वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 इंच, 9 इंच, 11 इंच या फिर 12 इंच। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी होनी चाहिए 12 इंच, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कितनी होनी चाहिए, 12 इंच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए यह मानना है। किसका मानना है आपको बताना है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या किसका मानना है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी का, दूसरा है मॉन्टेसरी का, तीसरा है प्रावेल का और चौथा है किल पैट्रिक का। तो बताइए कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए या किसका मानना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, या महात्मा गांधी का मानना था या फिर कहना था कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किस अदृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग होता है। आपको बताना है कि किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी या फिर ट्रांसपेरेंसी का उपयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, ओवर हैंड प्रक्षेपक, यानी कि जो आप लोग देखते हो सिनेमा हॉल में जो प्रोजेक्टर लगाए जाते हैं वो इसी का उदाहरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ओवर हैंड प्रक्षेपक या फिर प्रोजेक्टर। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, आगार, प्राकथन, पिटपेषण या फिर प्रस्तावना। तो सभी लोग बताइए, एक बार कही गई बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, पिटपेषण। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर इसका, पिटपेषण। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठ योजना निर्माण का सर्वाधिक लाभ मिलता है। पाठ योजना निर्माण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, आपको बताना है, विद्यार्थियों को, शिक्षक को, प्रधानाध्यापक को या फिर किसी को भी नहीं। तो पाठ योजना निर्माण का सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का, पाठ योजना निर्माण का सबसे ज़्यादा लाभ जो मिलेगा वो मिलेगा शिक्षक को, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। किसको मिलेगा, शिक्षक को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा पाठ योजना निर्माण का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण के चुनाव की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। पहला है बाल केंद्रीकरण, दूसरा है शिक्षक केंद्रीकरण और तीसरा है प्रयोग पर, चौथा है गतिविधियों पर। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए। भाषा शिक्षण के चुनाव में की जाने वाली शिक्षण विधि किस पर आधारित होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाल केंद्रीकरण पर आधारित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो सभी को आंसर करना है, कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग आंसर कीजिए, कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा, स्वस्थ मनोविनोद, दूसरा है स्मृति शक्ति का विकास, तीसरा है कल्पना शक्ति का विकास और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो बताइए कविता शिक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपर्युक्त सभी इसके उद्देश्य होते हैं कविता शिक्षण के। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया शिक्षण सिद्धांत, दूसरा है शिक्षण सूत्र, तीसरा है वैज्ञानिकता पर और चौथा है दार्शनिकता पर। तो सभी लोग आंसर कीजिए, भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, शिक्षण सूत्र इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 शिक्षण सूत्र। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। इनमें से कौन सा भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है। पहला ऑप्शन है विचार करना, दूसरा है पढ़ना, तीसरा है सुनना और चौथा है बोलना। सभी लोग बताइए इनमें से भाषा का आधारभूत कौशल कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विचार करना भाषा का आधारभूत कौशल नहीं है, बाकी पढ़ना, सुनना और बोलना ये भाषा के आधारभूत कौशल में आते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है, सभी को बताना है। ऑप्शन है मौखिक, लिखित, साहित्यिक या फिर दोनों।
तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग आंसर कीजिए, भाषा शिक्षण का मूल आधार क्या होता है? मौखिक होता है, लिखित होता है, साहित्यिक होता है, या फिर दोनों होते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मौखिक और लिखित दोनों होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका एग्जाम में है आपके सीटेट के, तो आप लोग बताइए वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? ऑप्शन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, या फिर समवेत वाचन। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, सभी लोग इसका आंसर कीजिए, वह कौन सा वाचन है जो गद्य में प्रयुक्त होता है परंतु पद्य में नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मौन वाचन। क्या हो जाएगा? मौन वाचन। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? पहला ऑप्शन है श्रवण का, दूसरा है वाचन का, तीसरा है पठन का, और चौथा है लेखन का। सभी लोग आंसर कीजिए, और आंसर करने के साथ में ही सेशन को जितने लोग एक बार जुड़ चुके हमारे साथ में इस समय, सभी लोग शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास में, और जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं आज चैनल पर, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सभी लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। 20 क्वेश्चन हिंदी के, उसके बाद में 15 क्वेश्चन EVS के पेडागोजी के हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो लगातार क्लास में बने रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? श्रवण का, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे कहते हैं? सारे के सारे क्वेश्चन लगातार बनते चले आ रहे हैं एग्जाम में है, तो बताइए जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अनुकरण वाचन, दूसरा है मौन वाचन, तीसरा है आदर्श वाचन, और चौथा है समवेत वाचन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आदर्श वाचन उसको कहते हैं जब शिक्षक द्वारा हाथ में पुस्तक लेकर वाचन कराया जाता है, उसको कहते हैं आदर्श वाचन। अगला क्वेश्चन है श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर, दूसरा है एक दूसरे को सुनाकर, तीसरा है एक दूसरे से बोलकर, चौथा है एक व दो दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे, श्रवण कौशल को छात्रों द्वारा अधिगम उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहानी, कविता एवं निबंध शिक्षण संबंधी नियमों को सुनकर और एक दूसरे को सुनाकर, यानी इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है, एक और दो दोनों इसमें सही है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है क वर्ण किसके योग से बना है? क वर्ण किसके योग से बना है? तो सभी लोग इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का, सभी लोग आंसर कीजिए इसका। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 किया उनका सबका सही आंसर हो जाएगा, क वर्ण जो है वो क और प्लस आ से मिलकर बनता है। आगे देखते हैं, उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? उष्म और संयुक्त किसके प्रकार हैं? क्या वो स्वर के प्रकार हैं, क्या वो व्यंजन के प्रकार हैं, या फिर दोनों के प्रकार हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो सभी को बताना है उष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं, सभी लोग आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उष्म और संयुक्त क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है, उष्म और संयुक्त क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। आगे देखते हैं, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य हैं, पहला है अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम, दूसरा है अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, तीसरा है एक और दोनों, और चौथा है प्रयोग का माध्यम। तो आपको बताना है कि भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य कौन से हो जाएंगे इनमें? क्वेश्चन नंबर 18 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम और अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम, यानी एक और दो दोनों इसमें सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इनमें से किस शब्द में चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धियां हैं? आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु संबंधित या संबंधी अशुद्धियां है? पहला है अंगना, दूसरा है दांत, तीसरा है चांद, और चौथा है पहुंच। तो इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें अशुद्धि है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करेंगे एक बार, इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें चंद्र बिंदु संबंधित अशुद्धि है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहुंच में जो है वो चंद्र बिंदु संबंधी अशुद्धि है, बाकी अंगना, दांत और चांद सही तरीके से लिखे गए हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहुंच। आगे देखते हैं, इनमें से योजक चिन्ह कौन सा आपको बताना है? इनमें योजक चिन्ह कौन है? पहला है, दूसरा है, तीसरा है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है? तो योजक चिन्ह कौन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सभी लोग आंसर कीजिए। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं EVS के पेडागोजी के क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
योजक चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन नंबर वन इसका सही आंसर ये योजक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईवीएस पेडागोजी का क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर वन है ईवीएस का पेडागोजी का, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहला है बेरूत, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है अमेरिका, चौथा ऑस्ट्रेलिया। तो बताइए कि यह कौन सा, यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाएँ। इस पेड़ की जड़ों की गहराई उसकी ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती हैं। यह पेड़ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा इसका। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर फोर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चंस थोड़े से बड़े होंगे ईवीएस के, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग बने रहिए क्लास में और सेशन को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए सभी के पास में और वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं या लिपि आधारित होती है 2, 6, 9 या फिर 8 बिंदुओं पर? आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन तीन बार अब तक की शिफ्टों में क्वेश्चन तीन बार आ चुका है ब्रेल लिपि से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर दो का हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, ये होती है 6 बिंदुओं पर आधारित। कितने पर? 6 बिंदु पर आधारित लिपि होती है ब्रेल लिपि। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, कुछ जानवर रात में जागते हैं, यह जानवर हर चीज को जिन रंगों में देखते हैं? वह हैं नीला, काला और सफ़ेद, सफ़ेद और काला। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ जानवर रात में जागते हैं, तो रात जागने वाले जानवर हर चीज़ को किन रंगों में देख पाते हैं? तो क्वेश्चन नंबर तीन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, जो जानवर रात में जागते हैं उनको हर चीज़ काला और सफ़ेद दिखता है। ऑप्शन नंबर टू इसका सही आंसर हो जाएगा, काला और सफ़ेद। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीकें हैं? पहला है परियोजना कार्य, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण, तीसरा है जर्नल लिखना और चौथा है विचार मानचित्रण। तो आपको बताना है इनमें से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक कौन सी हो जाएगी प्राथमिक स्तर पर? तो क्वेश्चन नंबर चार का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों के चारों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए बी सी डी इसका सही है बिल्कुल। आगे देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? आपको बताना है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो निगेटिव आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर पाँच का। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। दूसरा है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। तीसरा है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो परिभाषाओं पर ध्यान केंद्रित करना इसका उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं होता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ही गलत हो जाएगा। तो चौथा भी देखते हैं, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो इसका ये भी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है केंद्रक में, हरित लवक में, माइटोकांड्रिया में, माइटोकांड्रिया में या फिर उपरोक्त सभी में? तो आंसर कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का सभी लोग आंसर करेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, हरित लवक में होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है, शेर पक्षी सांप एवं वृक्ष हैं एक ही खाद्य श्रृंखला, नीचे का एक भाग जैविक कारक या फिर जैविक एवं अजैविक कारक दोनों? तो आंसर कीजिए, शेर पक्षी सांप एवं वृक्ष क्या हैं? तो क्वेश्चन नंबर सात का सभी लोग आंसर करेंगे, शेर पक्षी सांप एवं वृक्ष क्या हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री, जैविक कारक हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर थ्री। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? निगेटिव आंसर देना है आपको, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है? तो पहला ऑप्शन है, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर आठ का हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, रटना और ये सब निगेटिव वर्ण में आते हैं, तो इसका हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर वन ही सही हो जाएगा।
रटना जहाँ पर लग जाए, समझ लीजिए निगेटिव वर्ड आया है तो उसका वही आंसर सही हो जाएगा, आगे आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े अगर आप सही से ऑप्शन को पढ़ लें तो। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं कहलाते हैं। पहला है मृतजीवी, दूसरा है सर्वाहारी, तीसरा है परजीवी और चौथा है मांसाहारी। सभी लोग आंसर कीजिए कि वे जीव जो अपने आहार तथा निर्वाह के लिए जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं क्या कहलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मांस। तो बताइए वन के पेड़ों की छालों पर क्या उगे हुए मिलते हैं, जीवाणु, लाइकेन, कवक या फिर मांस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या उगे मिलते हैं, लाइकेन उगे हुए मिलते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर कीजिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। कौन सी होती है, ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अगर आपको प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाना है तो निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे अधिक महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन है क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, दूसरा है आकलन में सफलता प्राप्त करना, तीसरा है विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना और चौथा है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे तो इसका जो लोग ऑप्शन नंबर 4 कर रहे हैं इनका उन सबका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्या है, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को जोड़ना, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है, पर्णहरित में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग, तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, Mg, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं कहलाती है। सभी लोग आंसर कीजिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार कमेंट बॉक्स में कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT 2005 ने कक्षा 1 और कक्षा 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है। आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCERT 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तक की संस्तुति नहीं की है, इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है। पहला है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है, तीसरा है कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते और चौथा है संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संदर्भ युक्त अधिगम प्रवेश प्रदान करना, बिल्कुल सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3। साथियों आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी। अगर आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल क्लास ये होने वाली है तो आप लोग इस क्लास को सभी के पास में शेयर कर दीजिए और जितने लोग चैनल पर नए जुड़े हैं आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और अपने सभी साथी मित्र के पास में वीडियो को शेयर कर लेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय।